हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आज मैं आपको बताऊंगा कि 29 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको सुबह उठते ही साथ अपने अपने लिए एक गोल सेट करना है और पूरा जो दिन है उस गोल को अचीव करने में लगा देना है। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी अच्छी मेहनत कर पाएंगे, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका PDF आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो अभी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे ऊंचे स्थान पर रही हैं। तो मतलब क्या है कि जो सरकार ने जो प्रधानमंत्री ऋण योजना है, जो लोन मतलब सभी को प्रोवाइड सरकार करा रही थी प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत, तो उसके थ्रू जो है सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं ने उठाया है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने महिला जैसे कि अगर किसी की पत्नी है, किसी की माता है या किसी की बेटी है, तो उनके बिहाफ पर लोन लिया है रोजगार करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोन जो है किस राज्य की महिलाओं ने उठाया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की महिलाओं ने जो है सबसे ज्यादा लोन पर पैसे उठाए हैं रोजगार करने के लिए, ठीक है। तो अब बात आई है तमिलनाडु की। तो अच्छा, देखिए पहले नंबर पर तो जो तमिलनाडु की महिलाएं हैं वो पहले नंबर पर रही हैं, दूसरे नंबर पर रही हैं पश्चिम बंगाल की महिलाएं और तीसरे नंबर पर रही है कर्नाटक की महिलाएं, ठीक है। तो बात समझ आई। तो मुद्रा ऋण योजना का सबसे ज़्यादा लाभ कौन कौन से राज्य की महिलाओं ने उठाया है, इसमें आपका आता है तमिलनाडु आपके पहले नंबर पर, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर और कर्नाटक आपके तीसरे नंबर पर आता है। मतलब इन राज्यों की महिलाएं जो है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। इनकी जो महिलाएं हैं इन्होंने जो है सबसे ज्यादा लाभ उठाया है, ठीक है। बात समझ आई। अब बात आइए तमिलनाडु की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कैपिटल तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। चीफ मिनिस्टर इसके कौन है, इडप्पडी के पलानीस्वामी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ इसके कितने हैं, 38। और गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के कौन है, आपके गवर्नर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बनवारी लाल पुरोहित जो है आपके कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जो है आपके तमिलनाडु के गवर्नर है, ठीक है। बात समझ आए, ये क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। तो बनवारी लाल पुरोहित आपके जो है गवर्नर है तमिलनाडु के। डिस्ट्रिक्ट आपके 38 है। चीफ मिनिस्टर इडप्पडी के पलानीस्वामी है। और इसकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो वो है आपकी चेन्नई, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीका को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 सालों में पोलियो का एक भी केस नहीं आया है, ठीक है। बात समझे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब EPI, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो गुजरात ने जो निर्यात बहुत अच्छे लेवल पे किया है, बहुत अच्छा इनकम जो है बना के दी है भारत को, ठीक है। थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, तीसरा स्थान जो मिला है वो आपको तमिलनाडु को। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु। मैदानी इलाकों में, क्योंकि ये तटीय राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र तटीय राज्य नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु है तटीय राज्य और गुजरात है, ठीक है। मैदानी जो इलाके वाले राज्य हैं उनमें आपका राजस्थान, तेलंगाना और हैदराबाद। कौन है, राजस्थान, तेलंगाना और हैदराबाद टॉप पर है, मतलब कि राजस्थान टॉप पर, देन सेकेंड नंबर पर आपका तेलंगाना, देन थर्ड नंबर पर हैदराबाद। हिमालय जो राज्य हैं उनमें आपका उत्तराखंड टॉप पर रहा है, देन त्रिपुरा सेकंड नंबर पर, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर रहा है, देन गोवा सेकंड नंबर पर और फिर चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। हम बात है गुजरात की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। इसकी पॉपुलेशन है 6.27 करोड़। अब 2013 के अकॉर्डिंग देखिए, मैं पॉपुलेशन आपको इसलिए बताता हूँ ताकि अगर बाई चांस किसी पॉपुलेशन से आपका क्वेश्चन बन आ जाता है तो आपको आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि भाई गुजरात में इतनी पॉपुलेशन है तो उसमें ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता, तो इस तरीके से, ठीक है। बस मुझे इसके चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो विजय रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर के बारे में अगर हम बात करें तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम बताएं आपको तो 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। पॉपुलेशन उसके 6.27 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, विजय रूपाणी।
गवर्नर यहाँ के कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में? 33 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान लिया है, तमिलनाडु ने तीसरा स्थान, गुजरात ने पहला स्थान लिया है एक्सपोर्ट के मामले में। मैदानी इलाकों में कौन सा? राजस्थान हो गया आपका, तेलंगाना, देन हैदराबाद। ठीक है, और ये जो मैंने क्रम लिखा है ना, पहले पहले नंबर पर राजस्थान, देन दूसरे पर तेलंगाना, देन तीसरे पर हैदराबाद। ऐसे हिमालय राज्यों में उत्तराखंड, देन त्रिपुरा, देन हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, गोवा और देन चंडीगढ़। फर्स्ट पे दिल्ली, सेकंड पे गोवा, देन थर्ड पे चंडीगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जेम्स एंडरसन एक टेस्ट मैच क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाली पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, वह किस राष्ट्र के लिए खेलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, इंग्लैंड के लिए वे खेलते हैं। वे एक जो है बॉलर है और इन्होंने जो है 600 विकेट लिए हैं और ये इंग्लैंड से खेलते हैं। तो बात आई है इंग्लैंड की, आपको ध्यान रखना है, जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन ने हाल फिलहाल में अभी 600 विकेट कंप्लीट किए हैं। तो इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, यहाँ पे करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्वीन एलिजाबेथ टू। जो क्वीन एलिजाबेथ टू है उनके अंडर में ये सारी मिनिस्ट्री चलती है। और प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन। करेंसी इसकी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और कैपिटल इसकी क्या है? लंदन। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित GI टैग प्राप्त उत्पादों में से किसके लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो कौन सा GI टैग जो प्रोडक्ट उसको मिला है उसके लिए ऑनलाइन उसकी खरीदारी होगी? ठीक है, वो भी प्योर प्रोडक्ट की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, तो कश्मीर केसर। ठीक है, कश्मीर केसर को GI टैग मिला है और उसके लिए एक ई नीलामी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिसको चाहिए वो वहाँ से खरीद सकता है। बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विश्व जल सप्ताह 2020 की तिथियां क्या है? यानी कि देखिए, विश्व जल सप्ताह एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि विश्व जल सप्ताह जो है 1991 के बाद से प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट CIWI द्वारा आयोजित की जाने वाली एक वैश्विक परियोजना है। मतलब विश्व स्तर पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो है इसको आयोजित कराता है, विश्व जल सप्ताह। अब होता क्या है, ये एक्चुअली ये 6 दिन का ये जो है प्रोग्राम होता है। इसमें पृथ्वी में जल की महत्ता, ठीक है, पृथ्वी में जल है या नहीं उसकी महत्ता को बनाने के लिए, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुलझाने के लिए ये विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में 24 से 28 अगस्त को ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मनाया, सॉरी 24 से शुरू हो गया है। ठीक है, तो आज 28, ठीक है, तो ये 24 से 28 अगस्त के बीच में ये हुआ है। ठीक है, तो विश्व जल सप्ताह, तो इसमें मैंने आपको बता दिया ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ये मेन है कौन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, और 1991 के बाद से ये मनाया जा रहा है। और ये 6 दिन का एक कार्यक्रम होता है जिस पर जल के बारे में और साथ ही इंटरनेशनल पृथ्वी के अंदर जल कितना है, ठीक है, उसके स्तर के बारे में, उसका लेवल घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सॉल्यूशन पर जो है काम किया जाता है इन 6 दिन के अंदर। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और एक्चुअली जो ये विश्व जल सप्ताह इस बार जो मनाया गया, आप सभी जानते हैं COVID-19 की वजह से सारी मीटिंग्स आपकी वर्चुअल हो रही है। वर्चुअल का मतलब सारी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन जैसे आप व्हाट्सएप पर बात नहीं करते हैं, तो ठीक वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बात समझ आई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। पास्कल लिसोवा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थी? तो पास्कल लिसोवा आपका राइट आंसर है, कांगो गणराज्य, मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट थे पास्कल लिसोवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात आई है कांगो गणराज्य के, मतलब रिपब्लिक ऑफ कांगो की, तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अबाउट रिपब्लिक ऑफ कांगो, कैपिटल इसकी क्या है? ब्राजविले। क्या है इसकी कैपिटल? ब्राजविले। अब देखो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस, यहाँ पे कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है, मैं चाहता था इसको नहीं लिखता, बट लेकिन यहाँ पे लिखने का सीधा रीजन ये है, कई बार क्वेश्चन में जो है लैंग्वेज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप वहाँ से बता सकते हैं। कितुबा किकोंगो लिंगाला, कितुबा किकोंगो लिंगाला। बात समझ, देखिए कितना अजीब सा नाम है लेकिन बोलने में मजा आया। ठीक है, करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो फ्रैंक रिपब्लिक ऑफ कांगो की करेंसी है, क्या है? फ्रैंक। ठीक है, साथ ही
के बारे में बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस ससाओ नगुसो, डेनिस ससाओ नगुसो, ठीक है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे डेनिस ससाओ नगुसो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हैं सिल्वेस्ट्रे लुंगा। मजा है आप सभी को। चलिए तो आप सभी को एक बात समझ आएगी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की करेंसी क्या है? फ्रैंक है। इसकी कैपिटल है ब्राजविले। यहाँ पे कितुबा किंग कॉन्गो लिंगाला लैंग्वेज बोली जाती है। इसके प्रेसिडेंट हैं डेनिस ससाओ नगुसो। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं सिल्वेस्ट्रे लुंगा, ठीक है। बात समझ आए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे, ये रहा क्या है? SBI म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MD और CEO इस समय कौन बने हैं? आपका राइट आंसर है विनय टॉन्स। तो विनय टॉन्स ने अश्विनी भाटिया को रिप्लेस कर दिया। आप सभी जानते हैं जो बैंक में आपका प्रमोशन भी जल्दी होता है और रिप्लेसमेंट भी जल्दी होता है, तो इसलिए अभी तक तो थे अश्विनी भाटिया और अब बन गए हैं विनय टॉन्स, ठीक है। बात समझे, बात आई है SBI की। तो क्यों ना SBI के बारे में जान लिया जाए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो चेयरपर्सन यहाँ के कौन है? रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जिसके भी लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया लिखा आएगा मैक्सिमम उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। फाउंडेड ये कब बना? 1 जुलाई 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी सब्सिडरीज क्या है, मतलब इसके अंडर में कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं SBI के अंडर में काम करती है? ऑप्शन नंबर आपका सॉरी SBI कार्ड, यस बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी जो है SBI के अंडर में ही काम करती हैं। बस देखो सब के आगे तो SBI लगा हुआ है बट यस बैंक के आगे SBI नहीं लगा है, तो आपको ध्यान रखना है बस यस बैंक भी SBI के अंडर में काम करता है। बात समझ आए? और तो इसमें आपको याद रखने वाली कौन सी बात है मैं आपको बता देता हूँ। SBI के इस समय जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MDO कौन बने हैं? विनय टॉन्स, जिन्होंने जो है अश्विनी भाटिया को रिप्लेस किया है। और इस समय SBI के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। SBI कार्ड, यस बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी इसकी सब्सिडरीज हैं। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए तो ये इसका लोगो है, आप सभी SBI का लोगो ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी आप सभी लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा 5 करोड़ के लिए मैं दूंगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कौन सा मंत्रालय एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन खोलेगा? क्या है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन खोलेगा। देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि बस मंत्रालय का नाम बताना है, बाकी इसमें कहानी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इसके लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब बात देखो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर मतलब कि अगर किसी को कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वो यहाँ पर आकर, ये आपका जो है ऑनलाइन है एक पोर्टल है, यहाँ पर आके आप जो है अपना नंबर जो है सब कुछ रखेंगे, ठीक है। तो उसमें इसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन ही डॉक्टरों से संपर्क कर पाएंगे। यहाँ पर हर तरीके के मानसिक जो भी है हर तरीके के डॉक्टर, हर एक टाइप के डॉक्टर जो है तो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर जो है खोला है। अब देखो वो हेल्पलाइन नंबर एक्चुअल में है क्या, पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019 के माध्यम से 13 भाषाओं में ये सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। हेल्पलाइन में 668 स्वयंसेवक मनोचिकित्सक उपलब्ध होंगे जो प्रति घंटे 300 ग्राहकों को संभालने में सक्षम होंगे। बात समझ आई, 668 स्वयंसेवक होंगे, जैसे ये 668 जो स्वयंसेवक का मतलब समझे मनोचिकित्सक, मतलब इतने आपके डॉक्टर्स और जो स्टाफ मिला के टोटल होगा, और ये करीब करीब एक घंटे में 300 ग्राहकों को संभाल पाएंगे। बात समझ आई, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं ऑनलाइन थ्रू कितना, मतलब कितने लोगों को उपचार मिल पाएगा। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, ये रहा, इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है? बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। अब देखो बैगेज सैनिटाइजेशन का मतलब बैगेज को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, और रैपिंग मशीन, ठीक है, के थ्रू। अब इसमें क्या हुआ है, ये मशीन कहाँ स्टैब्लिश की गई है? तो आपका राइट आंसर है अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद में ये मशीन जो है लगाई गई है, वो अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर।
ठीक है। अब थोड़ा इस मशीन के बारे में जान लो क्या है। देखो, इस मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। मतलब ये क्या करेगा कि सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी को भी COVID-19 ना हो। इसे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग मीटर जगह में स्थापित किया गया है। और मशीन द्वारा इस्तेमाल होने वाले प्राबैंगनी रेडिएशन का सामान में रखे खाने, टिफिन, सब्जियों या पानी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो मशीन है, रैपिंग मशीन है, इसके थ्रू जो है, इसमें प्राबैंगनी जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, वो लगाए गए हैं। ठीक है। अब उस रेडिएशन के थ्रू जब आप वहाँ पे जाएंगे तो उन सभी की जांच होगी। ठीक है। जांच होगी तो उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आप जो है सेफ हो जाएंगे। मतलब COVID-19 अगर उसके कीटाणु होंगे तो वो मर जाएंगे। बात समझ आई यहाँ पर। फिर उसके बाद आप जो है वहाँ से आगे निकल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपका सामान है तो ये मशीन सामान के ऊपर भी आपकी जो है रखी जाए, मतलब ये जो प्राबैंगनी रेडिएशन है ये उस पर जो है फॉलो होंगे। तो जब ये फॉलो होंगे तो ये जो है खाने पीने का ध्यान रखेंगे। जो सब्जियां हैं, खाने पीने का सामान है, टिफिन है, तो इन पर इसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे इस तरीके से सैनिटाइज किया गया है। ठीक है। मशीन में ऐसा टाइपिंग कुछ ऐसा किया गया है जिसके थ्रू ये इन सब पर जो है अपना इफेक्ट नहीं डालेगी। बात समझें। तो ये था हमारे पास जो है 10वां लास्ट क्वेश्चन। बात आई है अहमदाबाद की, तो क्योंकि ये गुजरात में है तो गुजरात से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। इसकी पॉपुलेशन है 6.27 करोड़ 2013 के अकॉर्डिंग। सॉरी, चीफ मिनिस्टर इसके कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं? 33। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर इसके कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गुजरात में कितने हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये मशीन बनाई गई है ताकि आपका जो मतलब रेलवे स्टेशन पर COVID-19 से बचाने के लिए लगाई गई है, और ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेगी। और इस मशीन में प्राबैंगनी रेडिएशन यूज़ किए गए हैं। बात समझ आए? तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा छलनी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये ऊपर आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है। 6 सीरीज 2209। तो यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप पर एक, अगर आपको डेली PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, मेरे को मैसेज करना है। क्या लिखेंगे आप? I am a new student। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसको क्या करेगी, जो है आपको ग्रुप में ऐड कर लेगी, और साथ ही आपको वहाँ से PDF मिल जाएंगे। उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, या तो आप टेलीग्राम जो आपका जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करेंगे और उस पर KBS सर्च करेंगे तो वो आपका दिखा देगा। ठीक है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको रोज प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर। उसकी डेली PDF केवल उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो कि टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। ठीक है। अदर वीडियोज़ भी यहाँ पर है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर की हैं। ठीक है। और मतलब फर्स्ट से 6th सेमेस्टर तक की प्रैक्टिकल्स वीडियोज़ ये वगैरह आपको सारा कंटेंट मिलेगा। बैंकिंग क्लासेस कंटिन्यूस चल रही है यहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, SSC की क्लासेस हैं, वो सारा कंटेंट आपका धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं अपना। ठीक है। क्योंकि एक एक दो दो घंटे की वीडियोज़ आपकी अपलोड हो रही है, तो मेरे ख्याल से उसमें आपका एक एक दो दो घंटे में आपका एक एक पूरा टॉपिक खत्म हो जा रहा है। ठीक है। तो जो बड़े चैप्टर हैं 5 से 6 घंटे के, तो उनको 1 1 आवर में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आपका 7वीं 8वीं 9वीं का कंटेंट भी है, आप तो यहाँ पे आके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अपने भाई बहन को लाइए, और साथ ही अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। आप सभी मिलकर बहुत अच्छी तैयारी करिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। सॉरी, कॉन्सेप्ट तो आपको ये रहेगा, मतलब 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपने